दिव्य हिमाचल कांगड़ा न्यूज ब्रॉट टू यू बाय विरमानी स्किन केयर नगरोटा बगवा कांगड़ा, जहां आपको मिलेगा अपनी त्वचा से जुड़ी हर समस्या का समाधान। अपने शरीर के अनचाहे बाल हटाना या झड़ते बालों का रोकना, चिकन पॉक्स, मुहासे, सर्जरी के बाद के निशान, इनका बेहतरीन ढंग से इलाज। डॉक्टर मल्लिका अरोड़ा MBBS MD स्किन अपनी त्वचा संबंधी समस्याओं के निदान के लिए आज ही मिलिए। हरिपुर में रविवार को जनमंच के दौरान जोरदार हंगामा हो गया। धार पंचायत की समस्याएं लेकर मंत्री किशन कपूर से फरियाद लगाने पहुंचा उप प्रधान कार्यवाही ना होने की आशंका से अपना आपा खो बैठा। उसने सैकड़ों लोगों के सामने सरकार और मंत्री को खूब खरी खोटी सुना डाली। उप प्रधान नितिन ठाकुर ग्रामीणों के साथ पंचायत की समस्याओं को लेकर आए थे, लेकिन उन्हें मंत्री और DC से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इस पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। उप प्रधान ने कहा कि आजादी के बाद आज दिन तक उनके गांव में एक सड़क तक नहीं है। हमारे गांव में कोई अपनी लड़की ब्याहना नहीं चाहता। नेता और अफसरों को पूछते हैं तो हर कोई मीठी गोली देकर चलता बनता है। ग्राम पंचायत धार से धंगड़ बाया लोगों से एक जो अपनी एक सड़क है, पिछले 70 सालों से लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, परंतु आज की चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, कोई भी काम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसके लिए जो आज हम जनमंच में ग्रामवासी कम से कम 150-200 लोग यहाँ हमारी धार धंगड़ पंचायत का यहाँ आया हुआ था, परंतु जनमंच के जो कार्यक्रम हुआ उसके माध्यम से ना हम मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हैं, ना हम अधिकारियों के जवाब से संतुष्ट हैं। मंत्री अधिकारी सिर्फ एक पीछे बैठे हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मेरा सुझाव था कि अधिकारियों को सामने करके माइक हाथ में देके और जनता के हाथ में माइक देके जनता के सामने जवाब मांगा जाता, तब जाके जनता को पता चलता कि मूल समस्या क्या है। अधिकारी सिर्फ मंत्री के कान में बोल रहे हैं कि हाँ जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। पब्लिक को क्या पता चला कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। 70 साल से लोग इस सड़क के पीछे लगे हुए हैं। लोग वहाँ अपने उनके लड़कों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, 54 घरों पे ताला लटका हुआ है। लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं 14 किलोमीटर अपने छोटे छोटे बच्चों के स्कूल की एजुकेशन के लिए लोग पैदल लेके उनको जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए बुजुर्गों को चारपाई पे उठा के ले जाना पड़ रहा है, लोग कहाँ जाएंगे। जनमंच के माध्यम से आज हमने आवाज उठाई, 150-200 लोग यहाँ आया था, परंतु हम सरकार के पक्ष से अधिकारियों के पक्ष से हम सहमत नहीं हैं। उधर प्रशासन के अनुसार खबर भेजे जाने तक करीब 200 अर्जियों पर कार्रवाई जारी थी। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए नगरोटा सूर्या से राम स्वरूप शर्मा की रिपोर्ट।